24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं, अब लगातार बढ़ रही तेज और तर्रा खबरों की। आजादी के बाद भी अंधेरे में डूबा है गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बिजली व्यवस्था को लेकर की एक बहुत ही बड़ी योजना चला रहे हैं, जिसमें घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी जी का दावा यह भी है कि हम देश के लगभग हर कोने में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से महज 40 किलोमीटर दूर तहसील लहरपुर के टांडा कला ग्राम में ग्राम सभा में आजादी के बाद भी लोगों को अभी तक बिजली नसीब नहीं हुई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस गांव में चुनाव के समय हर नेता आकर के यही वादा करता है कि हमको जिताओ, हम गांव के बिजली लाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता यहां वापस मुड़कर नहीं आता है। इस ग्राम सभा में खंभे तो करीब 15 साल पहले ही लग गए थे, खंभों में तार भी खिंच गए, लेकिन आज तक बिजली आई ही नहीं है। इस मामले की जानकारी जैसे ही सीतापुर के हमारे अखंड हिंदी न्यूज 24 के संवाददाता को ही, उन्होंने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, जिसमें बेहद ही चौंकाने वाला नतीजे सामने आए। गांव-गांव वालों का कहना है कि चुनाव के समय नेता गांव में आते हैं और यह वादा करके वोट ले जाते हैं, जीतने के बाद इस गांव में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी सांसद विधायक यहां लौटकर वापस नहीं आता है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इन गरीबों की, इन ग्रामीणों की सुनी जाती है, कहां तक बात ऊपर उठती है और कहां तक शासन एवं प्रशासन इस पर अपनी मौजूदगी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आखिर कब तक इन गरीबों के, इन गांवों के झोपड़ों में भी एक प्रकाश उत्पन्न होगा। हमारे संवाददाता आ चुके हैं इन ग्रामीणों के बीच, आइए मुखातिब कराते हैं सीधे ग्रामीणों से। सीतापुर संवाददाता खंभे लगे हैं, कब लगे थे खंभा? हो गया वो 15-16 साल। कुछ खंभों के तारों पर कपड़े सूख रहे हैं, साल सूख रही है। अब कपड़ा का तार जी के उमा है तो वो सूखे हैं, तो है डर दे सूख। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो लाइट वाली है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है आप कह रहे हैं, खंभे तो लगे हैं? खंभे लगे हैं, लाइन खींची है, लेकिन लाइट नहीं है। कब खींची थी लाइन? हो गए 10-15 साल। 15 साल से खंभे खींच चुके हैं, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। क्या कभी आप लोगों ने इसके लिए कभी किसी अधिकारी से बात की? नहीं, एप्लीकेशन दिए गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खंभे हमने जिसे आए देखो। ये बताइए गांव में लाइट कब से नहीं है? लाइट जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं है। क्या कोई कभी कार्रवाई हुई, किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया? यहाँ अधिकारी कोई होता नहीं है, एमपी एमएलए आवत है, वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं अब किन आई जी, अब किन आई जी, कब होना यही। जो सांसद बने थे आपके यहाँ के, वो सांसद क्या जीतने के बाद यहाँ वापस आए थे लाइट? कभी नहीं। क्या कभी आप लोगों ने उनसे मिल करके इस बात की जानकारी ली कि लाइट नहीं है? हाँ, कुछ लोग मिले हैं, कहीं नहीं है, लेकिन वो कहते हम जनता ने हैं इधर के क्षेत्र। सांसद अपने क्षेत्र ही नहीं जाते? हाँ, यहाँ आए कभी नहीं करे क्षेत्र में। गांव में लाइट है कब से नहीं? जब से देश आजाद हुआ तब से कोई चीज नहीं, न लाइट, न कोई नाली, न खड़ंजा, कोई सुविधा नहीं मिल रही। कैसे रहते हैं आप लोग? कभी अधिकारियों से शिकायत करी है? बहुत शिकायत की है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ बनेगा बनेगा, यही कहते हैं, सहारा देते हैं, और देखिए फिर जांच नहीं आती गांव को। कल ही फोन आया था कि जांच आई है, नहीं तो एक बोले कि नहीं आई जांच। क्या इसको लेकर के, लाइट को लेकर के आप लोगों ने कभी अधिकारियों से बात की है? हाँ बात की है, लेकिन ना कोई देर जांच करने नहीं आया। लाइट को लेकर के जब यहाँ पर सांसद विधायक वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब कहते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, जब जीत जाएंगे तब करेंगे, ठीक है, कोई आते नहीं। योजना में इस जनपद के 23 ग्राम के अगेंस्ट 7874 मजरे हैं, जिसमें से 777 मजरे अभी तक अनिडेंटिफाइड थे। जो लक्ष्य दिया गया जनपद का 3,38,000 कनेक्शन देने का था, उसमें हम लोग कल की तारीख तक 1,77,145 कनेक्शन दे चुके हैं। ये जो लक्ष्य बहुत अधिक दिया गया था, ये केंद्र सरकार की संस्था है RECPECL, जिसने सर्वे किया था, उसके अनुसार उसने बहुत लक्ष्य दे दिया है। उतना नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन मैं 52% पूरा कर लिया हूँ और 31 दिनों में मुझे उम्मीद है 1,90,000 के आसपास हम कनेक्शन दे देंगे। और जो 770 मजरे आवंटित हैं अभी तक इस जनपद के, उसमें से करीब 400 मजरे का काम हम कंप्लीट कर लिए हैं, और 25 दिसंबर तक ये पूरे हम 704 मजरे पूरा कर लेंगे। 73 मजरे ऐसे हैं जिसमें लाइन बनाने का खर्चा बहुत अधिक आएगा, और छोटे छोटे वहाँ मजरे 8 घर ऐसे हैं, तो वहाँ हम लोग सोलर सिस्टम से वहाँ इलेक्ट्रीफाइड करेंगे। तो इस जनपद के 1118 घर ऐसे हैं 73 मजरों के, जिसमें सोलर सिस्टम से वो करेंगे। वो नोएडा नेडा को दे दिया गया है, 26 दिसंबर से वो काम करना शुरू कर दिए। वो सब
अज्ञात हत्या का पर्दाफाश, दो अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद श्रावस्ती के थाना इकोना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना इकोना के सीता द्वार नहर के पास 14 जून को राजपुर निवासी 42 वर्षीय ननके पासी का शव मिला था, जिसके बाद थाना इकोना पुलिस अभियोग पंजीकृत कर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल माया देवी व रामनारायण उर्फ दद्दू को आज शिशवारा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्ता माया देवी के मृतक के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते मृतक अभियुक्ता को अपने साथ भगाने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर उसके पति व पुत्र को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे तंग आकर 13 जून को माया देवी ने मृतक को मिलने के लिए बुलाया गया। इसी दौरान अपने ननद के लड़के राम नारायण उर्फ दद्दू के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया तथा सबको सीतापुर नहर के पास फेंक कर भाग गए। उत्तर प्रदेश ब्यूरो दुष्यंत सिंह वर्मा की खास रिपोर्ट। हरदोई के बघौली रेलवे स्टेशन के आउटर पर मालगाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से पलट गए, जिसके चलते हड़कंप मच गया। हादसे के बाद रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दोनों ट्रैकों पर ट्रेनों का आवागमन रुकवा दिया गया है। मालगाड़ी आलमनगर में रोजा कोयला लेकर जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार कोयले से लदी मालगाड़ी आलमनगर में रोजा जंक्शन पर जा रही थी। जैसे ही मालगाड़ी बघौली स्टेशन के आउटर पर पहुंची, लंबी गांव के करीब पिलर नंबर 1150 के पास कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डिब्बे उतरने से पूर्व मालगाड़ी को तेज झटके में देखा गया और देखते ही देखते बीच में लगे डिब्बे ट्रैक से उतरने लगे। लोगों के अनुसार जैसे ही डिब्बे पटरी से उतर रहे, उनके आपस में टकराने से बहुत तेज आवाज आनी शुरू हो गई। दुर्घटना के बाद इंजन ड्राइवर सुश कुमार बाकी बचे डिब्बों के साथ बघौली स्टेशन पहुंचा और घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। थोड़ी देर बाद रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कार्य शुरू हो गए। डिब्बों के पटरी से उतरने के बाद कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनके तमाम पॉट से डाउन ट्रैक पर भी जा गिरे हैं, जिसके बाद दोनों ट्रैकों को बंद करा दिया गया है। ड्राइवर ने बताया कि वह निर्धारित स्पीड से कम स्पीड पर चला था, अचानक जोर का झटका लगने से और फिर डिब्बे पटरी से उतरने लगे। उत्तर प्रदेश संवाददाता अर्पण पांडे की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में छात्र छात्राओं से विद्यालय में झाड़ू लगवाते और साफ सफाई करवाते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। दरअसल ये वायरल वीडियो लखीमपुर खीरी जिले के बहजम ब्लॉक के मलिकपुर प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में छात्र छात्राओं से विद्यालय में झाड़ू लगवाई जा रहा है, वहाँ साफ सफाई करवाई जा रही है। देखा जाए तो यहाँ एक और बाल श्रम पर रोक लगवाने की बात की जा रही है। वहीं शिक्षा के मंदिर में ही अध्यापकों के द्वारा बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। और अब यह बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह लखीमपुर खीरी में आए दिन बच्चों से बाल श्रम करवाने की वीडियो वायरल होती है, उन पर शायद ही कोई कार्रवाई होती है। यदि ऐसे अध्यापकों पर कार्रवाई होने लगे तो इस तरह के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत ना हो। उत्तर प्रदेश ब्यूरो दुष्यंत सिंह वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या कर रहे थे? डेली लगाते हो? कौन लगाता है डेली? बच्चे। पढ़ने वाले लगाते हैं बच्चे? जी। क्या नाम है? कोमल। कहाँ पढ़ती हो? मलिक। झाड़ू डेली लगाना पड़ता है? बच्चे ही लगाते हैं डेली झाड़ू? सुबह तो अब बरामदा वरम लगाते ही हैं। बच्चे लगाते हैं? नहीं, मतलब उम्मा लगाओ तो अपने कच्छा उच्छा में यहाँ है। अच्छा, तो बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है? फिर अगर कौन लगाओ, अपने बिछाई है, वो बरामदा है और जो है कमरा है, तो इनमें तो लगे देख रहे हैं। बच्चे लगाएंगे झाड़ू? अब कौन लगाई है यहाँ? तो फील्ड में तो लगवाते हैं सफाई कर्मी, कल लगाई है। रस्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। यूपी के सीतापुर में कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के टांडा कला में घर के सामने रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। ग्रामीणों का आरोप है कि कपिल के घर के बाहर कांटे का तार गांव का एक व्यक्ति लगा रहा था, जिसका कपिल ने विरोध किया तो उसके बाहर से लड़कों को बुलाकर लाठी डंडे व फावड़े से मारपीट करना शुरू कर दिया। झगड़ा ज्यादा होने पर गांव के लोग बचाने पहुंचे, जिस पर अपनी कार से आए हुए बाहरी लोगों ने गांव के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। गांव के लोगों की संख्या बढ़ते देख अपनी कार छोड़कर मौके से बाहर से आए हुए लोग फायरिंग करते हुए भाग निकले। जानकारी के मुताबिक मारपीट में 3 लोग घायल हैं, जिनका CHC लहरपुर में इलाज हो रहा है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना की सूचना पाते ही 100 नंबर एवं कोतवाल व CO मैफोर्स मौके पर पहुंचे। आरोपी पुलिस के आते ही फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीतापुर संवाददाता शिव नरेश पांडे की खास रिपोर्ट। अशोक कुमार वर्मा, कहाँ रहते हैं आप? टांडा कला। अच्छा, ये जो घटना हुई है आज आपके गांव में, इसका क्या पूरा मामला है? इसका मामला ये था, पवन कुमार के ऊपर एक तालाब है, ठीक उसी तालाब में वो राम नरेश कह रहे हैं हमारा, तो वो सीतापुर से 6-7 लोग गाड़ी से बुलवाए,
वो तार पवन कुमार के मकान के सामने लगा रहे थे। फिर जब पवन कुमार ने मना किया तो उनके पड़ोस में दिलदार अली हैं, वो आ गए और हम उसी समय दाढ़ी बनवाने आए थे दिलदार से, तो दिलदार दाढ़ी बना रहे थे। जब ये विवाद होने लगा तो हम जब ये देखा विवाद तो वो पहुँचे दिलदार अली, तो इनको बचाने लगे तो दिलदार को काफ़ी चोटियाँ आई, फावड़े से और बांके से प्रहार कर दिया दिलदार के ऊपर। अच्छा, उससे आक्रोशित ग्रामीणों ने क्या किया? वो फिर पूरा गांव शोरगुल सुनकर इकट्ठा हो गया, फिर गांव इकट्ठा होकर बचाने लगा तो जो पहुंचे उसी को मारने लगे, तो पूरे गांव के लोग आक्रोशित होकर वो गाड़ी जो आई थी उसको पलट दिया वहीं जगह। अच्छा, गाड़ी किसने बुलवाया था? गाड़ी वो रामनरेश श्राम बलदेव प्रसाद। उसमें कितने लोग थे? करीब 4-5 लोग थे। सीतापुर से आए थे? सीतापुर से आए थे। जो दंगा किया है उन्हीं लोगों ने किया है? हाँ, वो किया और रामनरेश ने भी दंगा किया। एसआरपी इंटर कॉलेज में हो रही छात्र छात्राओं से प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली। कोंच कोंच नगर का अभी तक का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय एसआरपी इंटर कॉलेज अब छात्र छात्राओं से अवैध धन की वसूली का स्थान बन गया है। आपको बताते चले कि 22 दिसंबर दिन शनिवार को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल करने टीम पर जब कॉलेज में पहुंची तो वहां संविदा कर्मी टीचर विवेक दुबे से पूछा कि आपके कॉलेज में छात्र छात्राओं से जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उन्हें ज्यादा नंबर देने के लालच में 350 रुपए से 500 रुपए तक लिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो टीचर विवेक दुबे ने बताया कि हम पैसे ले रहे हैं क्योंकि मुझे एग्जामिनर को भी देना पड़ता है, इसमें हमारा भी कुछ बनता है। जब उनसे पूरा पूछा गया कि ये नियम DIOS ऑफिस का है या कोई प्रशासन का आदेश है तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे स्कूल का ही प्रबंध है। ये सारी वार्ता स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारे संवाददाता ने साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड कर ली। आगे पड़ताल जारी रखते हुए एसआरपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री रमेश चंद्र पांडे ने जब इस विषय में पूछा तो कैमरे के सामने उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मेरे कॉलेज में किसी भी छात्र छात्रा से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसी दौरान जब जिला संवाददाता ने प्रिंसिपल साहब को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और प्राची नामक छात्रा से पूछा तो उसने भी बताया कि हाँ, मुझसे विवेक सर ने 350 रुपए लेकर यह बात गोपनीय रखने के लिए कहा था। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल महोदय के होश उड़ गए। फिर प्रिंसिपल महोदय जिला संवाददाता के प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं दे पाए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस छात्र ने मीडिया कर्मी को बताया कहीं इस प्रकरण से उसका भविष्य खतरे में ना आ जाए। तब मीडिया कर्मियों ने उस छात्रा को आश्वासन दिया, आप घबराए नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल महोदय की होगी। उत्तर प्रदेश ब्यूरो दुष्यंत सिंह वर्मा की खास रिपोर्ट। किस काम के लिए? प्रैक्टिकल फीस के नाम से, और कहा गया था कि गुप्त फीस है, किसी से कहना नहीं। ये भी बताया था तुमने? हाँ। किसने कहा था? ये विवेक सर ने कहा था। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इंटर में। क्या नाम है तुम्हारा? रांची। रांची नाम है, ठीक है। कहाँ से आती हो तुम? रवा भैंस। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए अखंड न्यूज 24 में।